खालिस्तानियों के ड्रामे से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिका अब एक्शन के मूड में है। वो भारत विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन की तैयारी की बातें कह रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले के बाद व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा है कि हम निश्चित रूप से उस बर्बरता की निंदा करते हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा उचित जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। राज्य विभाग नुकसान की मरम्मत के लिए बुनियादी ढांचे के परिपेक्ष में काम भी करेगा। भारत से फरार अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थन में अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रिचमंड हिल इलाके में बाबा मखान शाह लुबना सिख सेंटर में एक कार रैली निकाली। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैनहट्टन शहर के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर यह रैली खत्म हुई। कारों पर खालिस्तानी झंडे लगे थे, तेज संगीत और हॉर्न वो बजा रहे थे। इससे पहले खालिस्तानी समर्थक वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर जमा हुए थे। उनके कई वक्ताओं ने हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी खुफिया सेवा और स्थानीय पुलिस की सतर्कता की वजह से लंदन और सैन फ्रांसिस्को जैसी घटना को दोहराया नहीं जा सका। लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशन में तोड़फोड़ हुई थी। इसके अलावा भी अगर खालिस्तानियों की बात करें तो खालिस्तान समर्थकों ने पीटीआई के पत्रकार पर हमला किया था, उन्हें धमकाया था। इस घटना को लेकर भारतीय मिशन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा था कि इस प्रकार की गतिविधियां इन अलगाववादियों की हिंसक और असामाजिक प्रवृत्तियों को दिखाती है। अमेरिका में पीटीआई के पत्रकार खालिस्तान समर्थन प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, उसी समय यह घटना हुई, लेकिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस ने वक्त पर हस्तक्षेप कर दिया और अप्रिय घटना होने से रोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।